ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਟੇਸਟੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਪਾਸਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਿਪੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ जी शॉपिंग आप कर ली आ सिक्योरिटी रीजन करके मैं ज़्यादा अंदर शूट नहीं कर सकी ग्रोसरी आप ले ली आ तो बच्चे कर रहे इंजॉय राइड्स ले रहे हैं हाँ जी जी आप आ गए हैं घर तो आप बनाना शुरू करते हैं पास्ता पानी लाया मैं बॉयल किया है उन्हें तो उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल पा के तो 1 टीस्पून आप सॉल्ट ऐड करके पास्ता बॉयल कर लेना है हाँ जी 500 ग्राम जिहड़ा है आप पास्ता लिया है शैल पास्ता है यह तो आप 40 मिनट्स के लिए आप बॉयल करना है इदा का होंगे है पास्ता बॉयल कर लें आप पास्ता आप रखता साइड से बॉयल होने के लिए तो आप जिहड़ियां सब्जियां ऐड करनियां आ उन्हें थोड़ा जहा सौटे कर लें ऑयल ले लें 2 to 3 टेबल स्पून
तो ये ऐड कर दें 3 cloves गार्लिक के आ फाइनली चॉप किए हुए आ ऐड कर दें अनियनस ये भी फाइनली चॉप किए हुए आ 2 onions ये जड़िया अपन सब्जियां जानिया आ फाइनली चॉप कितिया हुई जानिया आ भुन के अनियन नू ते इहदे विच आपां फिर बाकी दीआं सब्जियां ऐड करांगे इहदे विच हुण आपां कैप्सीकम ऐड कर दिंदे आ मैं रेड कैप्सीकम लिया आ ते इहनां नू भी फाइनली चॉप कीता होया आ नैक्सट आप ऐड कर दें मिक्स वैजिटेबल्स ये कैरट या कॉर्न या ग्रीन बीनस या ते थोड़े जे ये पीज ऐड किए हैं मैं थोड़े को होर भी कोई सब्जी पई है तुसी वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं इस जड़िया सब्जियां जानियां फाइनली चॉप ही जानियां क्योंकि शैल्स होंगे उन्होंने जड़िया सब्जियां फिल हो जाएं तो जो आप खाते हैं उन्होंने तो बहुत ही नाइस टेस्ट आता है वह बहुत ही स्वाद लगती है सो जिड़िया भी आप सब्जियों के पाइया आ फाइनली चॉप करके ही पाइया आ नैक्सट आप ऐड कर दें ऑरगैनो 1 teaspoon ऑरगैनो जानी है ये मैं ये जिहड़ा पास्ता सॉस यूज़ कर लगी हाँ अगर तुसी टमेटो टिन यूज़ कर रहे हैं जां फ्रैश टमेटो यूज़ कर रहे हैं उहदी प्यूरी बना के यूज़ कर सकते हैं तुसी ते जो तुसी सब्जियां भुननियां हैं उदों तुसी 1 teaspoon दे विच सॉल्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैं पास्ता सॉस यूज़ की आ सो मैं ये सॉल्ट नहीं ऐड किया है पास्ता सॉस के विच ही काफ़ी सॉल्ट वगैरह सारा कुछ चिलीज होंदियां हैं ते नैक्सट मैं ये ऐड कीतियां आ मशरूम्स फाइनली चॉप करके मशरूम चेरियां छेती गल जांदियां है इसलिए उन्होंने आपां बाद दे विच ऐड कीता है ऐड कर देने इहदे विच आपां पास्ता सॉस मशरूम टमाटो पास्ता सॉस मैं इहदे लई यूज कर रही हूँ 500 grams है पर आपां इहदे विच 250 grams ही ऐड करांगे इन्हों आप जो चंगी तरह भुन लेना है 5 to 10 minutes के लिए पास्ता भी अपना रेडी आ आप पानी ड्रेन कर लें तो चंगी तरह हिला के आप जो शेल्स होंगे इन्हों पानी होंगे आ सो चंगी तरह हिला के इन्हों का पानी कढ़ लेना है तो इन आप ऐड कर दें सब्जियों के चंगी तरह आप मिक्स कर लेना है ता जो जड़िया सब्जियां आ फिल हो जाए पास्ते दे विच जड़े आ शेल्स बने हुए आ इन्हां दे बच्चे सब्जियां आ जड़िया फिल हो जानियां चाहिदियां फिर उहदे नाल बहुत ही नाइस टेस्ट आउंदा आ अगर तुहानू अज दी रेसिपी वधिया लगी पास्ते दी ते शॉपिंग ब्लॉग नाइस लग्या तां प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर कर दियो
ते जेडे मेरे चैनल ते नवे आ फर्स्ट टाइम मेरे चैनल नू देख रहे आ चैनल नू सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भुलियो बैल आइकन नू भी दबा दियो नैक्सट वीडियो दी नोटिफिकेशन दे लई पास्ता अपना रेडी आ ते कोई इदा दी इहदे विच फिलिंग हो जानी चाहीदी आ ते आपां सर्व कर लैंदे आ नू ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ